तो आज हम लोग कटरा से पटनी टॉप जा रहे हैं घूमने। अब देखते हैं कैसे घूम पाते हैं। इधर तो मौसम थोड़ा बारिश का हो गया है, ऊपर का मौसम कुछ अलग ही मिल सकता है। इधर ये है कुछ नज़ारे बारिश के। इधर श्रेष्ठ सो गया है। हाँ नहीं देख रहे, मोबाइल देख रहे हैं। और हमारे साथ अब्दुल भैया है जो हम लोग को पट्टी टॉप घुमाएंगे। चलिए जैसे जैसे रास्ते में जो जो मिलेगा आपको दिखाते जाएंगे। ये आपको दिख रहा है पटनी टॉप के बीच में कुछ जगह है, बहुत सुंदर ऐसा मंदिर घर भी ऐसा दिया, मंदिर है पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत ही सुंदर व्यू है इधर का। ये शनि देव महाराज जी का मंदिर इनके अंदर है। यहाँ फोटो खींचना मना है इसलिए आपको बाहर से दिखा रहे हैं। काल भैरव। अभी हम लोग श्रीनगर दिख रहा है इधर 209 किलोमीटर, पटनी टॉप 74, उधमपुर 27। तो ये 4-व्हीलर पे अभी हम आके मिल गए हम लोग कटरा से, और जम्मू से आने पे यही 4-व्हीलर सीधे मिलता है। तो पहाड़ पे भी आपको 4-व्हीलर दिखेगा जम्मू में, काफ़ी अच्छा रोड है और व्यू भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अभी बारिश भी हो रही है, बादल भी है। यहाँ पे भी हम लोग चाय पियेंगे, रुके हैं रेस्ट गाड़ी में, वो लोग नहीं पिएगा। ये पेट्रोल पंप और यहाँ है 83.52 रुपये डीजल और 97 का पेट्रोल, बहुत सस्ता है आम जगह से। इधर इस झाड़ी के पीछे आपको उधमपुर सिटी है और कैंट एरिया है, तो पूरा हेड ऑफिस उधमपुर में सभी का, जम्मू का। यहाँ से फिर बचते हैं सारे फोर्स वगैरह। ये देखिए बहुत सारा ट्रक लगा हुआ है इस साइड रोड पे। इसके बारे में है कि एक दिन ये श्रीनगर जाती है, दूसरे दिन जब से दूसरी ट्रक वाली आती है, तो जिनका जब नंबर जिस दिन आएगा वो उसी दिन जाएंगे और आएंगे, एक दिन इधर से आना और एक दिन उधर से जाना। तो इसीलिए ये ट्रक यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि आगे हर जगह 4-व्हीलर नहीं है, सिंगल लेन है, जिस कारण से ट्रक बनवे रहता है और एक दिन इधर से जाएगा और दूसरे दिन उधर से ट्रक आएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट बनाया हुआ है। ये देखिए आपको सामने उधमपुर सिटी दिख रहा होगा जो हमारे पटनी टॉप के रास्ते में पड़ती है। ये भी पहाड़ी पे बसा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर सुंदर मकान है और व्यू भी है। इधर उधमपुर रेलवे स्टेशन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन आपको इस ओर मिलेगा, जम्मू को और कटरा को जोड़ती है। इधर से लैंडस्लाइड हो रहा है धीरे धीरे, पत्थर ऊपर से ढलक ढलक के नीचे आ रहे हैं। आपको पहाड़ पे धीरे धीरे छोटे छोटे झरने दिख रहे होंगे और
बरसात के दिन में बन जाते हैं। आप देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए बाहर के ऊपर से बारिश हो रहा है, उसका पानी बहुत प्यारा है। लैंडस्लाइड के नमूने, मलबा इस तरह से ऊपर से नीचे आता है, रोड को पूरे जाम कर देगा। बड़ा मुश्किल जीवन है इधर का। आपको लाइव दिखाता हूँ, ये देखिए क्या दिख रहा है, पत्थर सरकते हुए। व्यू के चक्कर में वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, लेकिन देखिएगा पूरा वीडियो को। ये देखिए उधर, ये देखिए लैंडस्लाइड, ये 2 साल से लगातार यहाँ पे चलते आ रही है, और जैसे ही नीचे से पत्थर हटता है फिर ऊपर से पत्थर वापस आ जाता है। तो अब्दुल भैया ने बताया कि काफ़ी 2 साल से यहाँ पे, 2 साल हो गया होगा, 2 साल से यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। लेयर टाइप की निकल रही है। हाँ, ये नीचे से लेयर है, वो नीचे हटती है फिर आ जाती है ऊपर से। खूबसूरत जम्मू और खतरनाक जम्मू दोनों है। ये देखो बउआ इधर हवाई जहाज, इधर इधर ये होटल बन रहा है इसमें। अनोखी चीज दिखाता हूँ, ये देखो पटनी टॉप के रास्ते में क्या मिला है। ये हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर नहीं हवाई जहाज है, ये इसकी खिड़की ये है। तो ये यहाँ पे इसमें रेस्टोरेंट बन रहा है, उसके लिए यहाँ पे ला के रखा हुआ है। इधर ये लोग हैं, ये देखिए सुंदर नज़ारे के साथ फिर से एक बार। ये इनका काम है, ये तो कुछ ही बोलेंगे। हाँ। ले जाओ, बारिश हो रही है, आपको काम। नितिशन से बोला, हम बोला कि चेक पोस्ट है क्या, रोक के चेक आउट करेगा क्या, आपको पता है क्या होता है यहाँ, पर्ची कटती है इधर कटती है। नत्था टॉप पे हम लोग जा रहे हैं, ये है आपका पटनी टॉप के ऊपर, काफ़ी ऊंचा माउंटेन है और आर्मी के जवान का कैंप भी है इधर। तो अभी अभी बहुत सारे बादल थे लेकिन अभी छट गए हैं, कुछ पहाड़ियाँ दिखने लगी हैं, अब ऊपर जाके देखेंगे लग कैसा है। देख पाएंगे भैया, घूम लेंगे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ लुका छुपी का खेल चलता है। हाँ, यहाँ लुका छुपी का खेल चलता है। सेब के बागान भी ऊपर मिलेंगे, ये है।
ठंडी वाले सीजन में टोटल बर्फ से ढके रहती है इधर। अच्छा टॉप पहुंच चुके हैं और इसे आगे भी है ना? आगे तो गांव का रास्ता है या फिर आगे और पहाड़ी पे जाने के लिए रास्ता। इधर ये कि शेड वगैरह ऊपर चढ़ के आओ फोटोग्राफी इसके ऊपर। हाँ इधर से सीढ़ी लगी हुई है इसमें। ये आपको दिखेगा डबल डेक व्यू पॉइंट थूट नत्था टॉप। ये है कुछ बारिश के मौसम में कुछ दिख नहीं रहा और भी लोग ऊपर जा रहे हैं। चलिए हम लोग भी इस पे जाके ऊपर से देखते हैं कैसा नज़ारा दिखता है। ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर। इधर से इसका रास्ता है। चलिए चलते हैं और ऊपर से आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। आपके लिए बारिश में भी घूमने को आ गए हैं ताकि आपको दिखा पाए कैसा दिखता है इधर से। आ जाओ। ये है वाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कैसा लग रहा है? बाकी समय में यहाँ पे ठंड के समय बर्फ रहती है। ये देखिए दूरबीन है इससे दिखेगा आगे। पता नहीं कैसे दिखता है। अब मेरे को तो नहीं दिख रही है। चलो ये है कुछ यहाँ के फोटो। चलें चलते हैं हम दूसरे व्यू पॉइंट पे दिखाते हैं आपको पटनी टॉप और कोई कोई जगह। लकी हैं हम लोग बरसात में भी दिख गया। हाँ टावर वो लास्ट हो जाएगा और यहाँ से BSF का या फिर जिनका भी आर्मी का है वो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कश्मीर को भेजते हैं मतलब कि पहाड़ियाँ से फ्रीकर आती फ्रीक्वेंसी फिर इनका काम चलता है। ठंड के दिनों में तो यहाँ बर्फ पूरी झकी रहती है। ये देखिए बादल आपको दिख रहा होगा सर नीचे से आ रहा है ऊपर। ये आपका टॉप इधर दिख रहा है और ये है ये गांव के तरफ रास्ता चला जाएगा नत्था टॉप का। तो आपको दिखाते हैं ये है फिर आगे भी जा सकते हैं। जनवरी फरवरी में इधर बर्फ मिलेगी बाकी समय नहीं मिलती है। ये आपको इधर मिट्टी के घर दिख रहे हैं ऊपर घूमने का है। ये नीचे का है कुछ नज़ारा। ये देखिए रोड है।
बर्फ वाले दिन में सब पे बर्फ रहता है ना, वहीं पे लोग जाते हैं पैदल। जनवरी फरवरी तो इधर पहुंचती नहीं गाड़ी, नीचे नीचे खड़ी होती है। फरवरी में 15 के बाद इधर तक पहुंचती गाड़ी, फिर लोग पैदल ऊपर आते हैं। हाँ, गाड़ी साइड पर कहीं भी दबा देंगे और घूमेंगे फिरेंगे बस। इधर स्केटिंग होती है, अब ये ग्रीनरी आ जाएगी। चेक इन पॉइंट है, ये हम लोग रोपवे की तरफ बढ़ रहे हैं, गंडोला रोपवे। ऐसा कुछ नजारा है इसके बाहर का, हट जाता है उधर से, दूसरा चिप चलाता है, तार भी बाद में जुड़ता है, तार छोड़ देता है। चल देखते हैं क्या होता है। राजगीर में सही नहीं है तो देखना, ये बात देखना मेरा बात देखना मेरा कमाल देखना। मैं समझा दूँ मेरा जादू। देखो हट गया ना ऊपर। मैं फिर घूम रही आ गए ऐसे लग। फिर से नहीं आ गए? हैं? फिर से नहीं आ गए? चलो चलो चलो, बाबू को ले लो। वो नाचते रहता है। चलते रहता है। हाँ। सेम नहीं, नीचे आ गए बाबू। बहुत खूबसूरत। बाहर किधर है? बड़ा लगा आपके पास है? दोनों दोनों मेरे ही। स्काई व्यू पटनी टॉप एयर एग्जिट। फिर हम घूम के आए हैं, फिर जाएंगे इसी रास्ते से ऊपर, तब तक नीचे हम लोग घूमेंगे। ये इनका है, चलते हैं फिर इधर घूम के आते हैं। तुम हमको पकड़ो नहीं बाबू। Hands off gold. Those rest hai. Those rest. Hmm? इधर कंजी देखिए कितना बड़ा बड़ा अंजीर है, बादाम है। ये देखिए। दाम तो मजे नहीं आते सब पे। देखिए देख लीजिए ना छोड़ के। नहीं आप देख लीजिए ना।
छोड़ दो, सेस्ट मस्ती कर रहा है, चलो उसको छोड़ दो, चलो चलो उधर 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 बिलियर्ड्स, हाँ क्वाइन वाला सब है, अभी नहीं अभी नहीं अभी, उसमें नहीं उसमें इधर इधर देखो ना, ये वाला ये वाला ये खेलने वाला रहता है ये, हाँ आदमी आएगा तब सुंदर होटल है इधर, ये सामान वाला है और ये इधर खाने का है, उस ये देखिए टॉप में, एक ये भी एक इधर है नाग मंदिर है जो आपको दिख रहा है इधर, तो हम लोग अभी इसमें नहीं जा रहे हैं, बारिश हो रही है और गाड़ी लगाने का ही पार्किंग नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहीं से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे नाग टेंपल है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों के पीछे कश्मीर उस साइड थोड़े से दिखेगा, तो जैसे नीचे जाएंगे शायद नीचे से थोड़ी नज़र चलेगी। ये आपको कटीली झाड़ी वाले पेड़ दिख रहे होंगे, यही अखरोट का पेड़ है, अभी तो सीजन नहीं है लेकिन अखरोट का पेड़ यही है, ये सेब का बाग है, नीचे आपको सेब के बाग है, ये वाला ये सामने आपका अखरोट का पेड़ है, ये नीचे अपना एप्पल बाग, सेब के बागान है, सबसे बड़ा पेड़ है चिनार का, चिनार का पेड़, चिनार का कश्मीर का सबसे बड़ा पेड़ होता है, जैसे आप इसको बोलते हैं चनानी नाशरी टना, इस साइड में नाशरी है, उस साइड में चनानी जगह का नाम है, अभी ऐसे नाम डाल दिया और नीचे लोग अच्छा वही है ना,
अटल जी या मोदी जी उद्घाटन किया होंगे इसका? हाँ 18 में किया था, ओपन जीप में बैठ आए होंगे, फोटो वोटो खिंचवाए होंगे बीच में, ओपन जीप में पूरा राइड किया था इसमें। ये सीधे कश्मीर जाएगा? ये सीधा कश्मीर। क्या नाम था इस टनल का? टनल का वो सामने लिखा था चेनानी नाशरी, ऐसे चेनानी नाशरी टनल है ना, लेंथ और नीचे लिखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसको नाम दिया ना ऐसे। तो वो भी है रोहतांग पास, रोहतांग टनल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, 9 किलोमीटर लंबाई है, 9.5 Are you supposed to?